स्टूडेंट्स के लिए किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन अगर आप ठान लिए हो ना तो एक दिन जरूर बनता है। दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने पिताजी के अपमान का बदला लेने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। दोस्त, इनके पिताजी बहुत गरीब किसान थे, बहुत मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ाया करते थे। दोस्त, जैसे जैसे ये लड़का बड़ा होते गया, इसका पढ़ाई लिखाई का खर्चा और बढ़ते गया और अब इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि बहुत मुश्किल से घर को चलाया करते थे। तो फिर इनके पिताजी किसानी के अलावा ऑटो चलाने का फैसला ले लिया ताकि घर और पढ़ाई का सिचुएशन सही हो जाए। लेकिन दोस्त, ऑटो चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो जब इनके पिताजी अपने बेटे के साथ RTO ऑफिस में लाइसेंस बनवाने के लिए गए तो पता चला कि एक लाइसेंस बनवाने के लिए भी 6,000 का घूस देना पड़ता है। दोस्त, इतनी विकट परिस्थिति में 6,000 रुपया का घूस देना कितना पेनफुल होता है ये सिर्फ एक गरीब स्टूडेंट ही समझ सकता है। गरीबी से मजबूर पिताजी वहाँ एक कर्मचारी से थोड़ा सा वार्तालाप कर लिए और इसी बीच उनके पिताजी को सुनना पड़ गया था कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तो क्यों आ जाते हो लाइसेंस बनवाने के लिए। दोस्त, इसके बाद इनके पिताजी का मुंह बंद हो गया और ये बात सुनकर उनके बेटे को रहा नहीं गया और वहाँ कह दिया कि याद रखिएगा, आप एक गरीब किसान का अपमान किए और मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा और आपसे बड़ा पद लेकर आप जैसे करप्टेड एम्प्लॉय को भी सबक सिखानी है मुझे और मैं सिखाऊंगा, इसे याद रखिएगा आप। दोस्त, इनके पिताजी वहाँ अपने बेटे को कुछ नहीं बोले, लेकिन पता है घर आकर अपने बेटे को दो झापर मार कर उन्होंने कहा कि तुम इतने बड़े ऑफिसर से क्यों पंगा ले लिए हो। बेटा, हम गरीब लोग हैं, किसी तरह जीवन बिताते हैं, कुछ एक्शन ले लिया तो हम बर्बाद ही हो जाएंगे। तो पता है उसके बेटे ने क्या जवाब दिया? वो बोला कि पिताजी, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक बेटे के सामने उसके पिताजी का अपमान हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे, हम गरीब हैं, हम मानते हैं, लेकिन किसी का गुलाम तो नहीं ना कि कोई भी कुछ भी कह के चले जाए। दोस्त, फिर इनके पिताजी दूसरे के ऑटो चलाकर अपने बेटे को पढ़ाने लगे और सुबह और शाम सब्जी भी बेचा करते थे। लेकिन उस दिन से इस लड़के को सिर्फ एक ही चीज़ दिखने लगा था, अपने पिताजी का अपमान और घर का हालात। और अब तक इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। फिर इसने YouTube के माध्यम से बहुत सारे जॉब को सर्च किया, उनमें से इन्हें एक ही जॉब पसंद आया, वो था IAS ऑफिसर। इनके पावर को देखकर इन्हें यह जॉब पसंद आ गया था, क्योंकि यार इसे करप्शन को हटाना था। जो करप्टेड एम्प्लॉय इनके पिताजी को अपमान किया था ना, उसे सबक सिखाना भी था, इसलिए इसने IAS ऑफिसर को चुना। दोस्त, उसके बाद ये लड़का गांव से ही सेल्फ स्टडी करने लगा और YouTube, Google और NCERT बुक्स का सहारा लेकर अपना सिलेबस जैसे तैसे कंप्लीट किया। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इसने प्री का एग्ज़ाम दिया और जब इसका रिजल्ट आया ना तो ये लड़का बिल्कुल टूट गया था, क्योंकि यार इसका प्री ही क्वालिफाई नहीं हो पाया। ये लड़का बिल्कुल होपलेस हो गया था, अब इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। जब भी ये लड़का घर से बाहर निकलता था तो सभी लोग इसका मजाक उड़ाने लगे, वो कहने लगे थे कि चला था ये लड़का ऑफिसर बनने और प्री भी नहीं निकला, क्योंकि यार गांव के लोगों को इतना पता नहीं होता है कि एक IAS ऑफिसर बनने के लिए कितनी सारी सेक्रीफाइसेस करना होता है। और इतना ही नहीं, इनके पिताजी को भी गांव वाले चिढ़ाने लग गए थे कि बेटा IAS बन गया क्या। दोस्त, इसके बाद ये लड़का का हिम्मत नहीं कर रहा था कि ये फिर से दोबारा मेहनत करे और तैयारी करे। दोस्त, एक दिन इनके पिताजी अपने बेटे से कहा कि बेटा, ये गांव वाले ना हमारा इस कदर मजाक उड़ा दिया है कि अब हमें निकलने का भी मन नहीं करता, अब तुम्हें इन लोगों को IAS बन के ही दिखाना है, अब ये तुम्हारे इस गरीब पिताजी के इज्जत का सवाल हो गया है बेटा, तुम्हें इन सबको दिखाना ही होगा कि एक गरीब किसान का बेटा भी IAS बन सकता है। दोस्त, इतना बात सुनकर इस लड़के के दिल में पढ़ाई के प्रति एक आग सा लग गया था और उसी दिन उसी क्षण अपने पिताजी से वादा करता है कि पापा, जो लोग आपकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं ना,
मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उसे आपसे वक्त लेकर। दोस्त, इतना बात सुनकर उनके पिताजी ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम जरूर जीतोगे बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसके बाद इस लड़के का नींद चैन सब कुछ उड़ जाता है और दिन रात करके एक कमरे में बंद होकर सिर्फ पढ़ाई ही करने लगा, क्योंकि यार अब इसके मन में सिर्फ अपने पिताजी के अपमान और फैमिली का सिचुएशन दिख रहा था। और दोस्त, 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद अपने दूसरे ही अटेम्प्ट में ये लड़का आईएएस ऑफिसर बन के दिखा दिया। उसके बाद इसके पिताजी का सर गर्व से ऊंचा हो गया और पूरी गर्व से अपने गांव में घूमते हैं। और मजे की बात तो ये है कि जो लोग इसे गालियां देते थे ना, रिजल्ट के बाद वही लोग तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। तो दोस्त, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि चाहे आप कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून छा गया ना, तो आप पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस पर जग हंसा है ना, वही आगे चलकर इतिहास रचा है। तो दोस्त, आई होप ये मेरे द्वारा लिखा गया इंस्पायरिंग स्टोरी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए